हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज देखिए, मैं बहुत ही टेस्टी अंडा चिंगारी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 5 अंडे को बॉईल करके लिया है। तो अब हम इसको अंडे का ये सब्जी जब बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप ये रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ, पराठा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। तो पहले हम एक अंडे को बीच से इस तरह से कट कर देते हैं और फिर इसको फिर बीच से एक अंडे का हम 4 पीस काट लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने काट लिया है अंडे को। तो सारे अंडे को हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, सारे अंडे मेरे कट के रेडी हो गए हैं। तो देखिए, सारे अंडे को मैंने काट लिया है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इधर फ्रेंड मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल दे रहे हैं। देखिए, कढ़ाई गर्म हो गया है मेरा। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तो देखिए, तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम 2 तेज़पात और ये 2 सूखी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़े से खड़क गरम मसाला डाल देते हैं। जो भी खड़क गरम मसाला हो वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब सब्जी आप बनाएंगे ना तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो वही सब्जी खा के इंसान बोर हो जाता है। तो आज सोचा कि मैं नए तरह से अंडे की सब्जी बनाऊं। तो देखिए, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, थोड़ा सा लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिए हैं। तो इस तरह से देखिए, 2 प्याज को हम फ्रेंड इस तरह से एकदम बारीक काट लिए हैं। मीडियम साइज का प्याज था। तो प्याज आप चाहो तो पीस के भी डाल सकते हो। तो प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो प्याज को भूनने में करीब करीब 5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो हम प्याज को एकदम अच्छे से उलट पुलट के ब्राउन होने तक एकदम भून लेते हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गया है। तो प्याज मेरे अच्छे से भून के ब्राउन हो चुके हैं। एक दो बार इस तरह से हम प्याज को चला ले रहे हैं। फ्लेम को अभी मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही प्याज को भून रहे हैं। तो साथ में देखिए, प्याज मेरे हल्के भून चुके हैं। तो अब हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। और इसको अदरक लहसुन को अच्छे से भून ले रहे हैं तेल में। तो ये देखिए, अदरक लहसुन मेरा थोड़ा हल्का भून चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 बड़ा साइज का प्याज को इस तरह से बारीक, टमाटर को बारीक कट के ले लिए हैं, 2 टमाटर को। ये टमाटर को भी हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। टमाटर देखिए हल्का उलट पुलट के हल्का सॉफ्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट में इस तरह से टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर दे रहे हैं। तो 1 चम्मच देखिए, मैंने ये जीरा का पाउडर डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है। इसको भी हम एक बार तेल में इस तरह से हम चला लेते हैं। तो हल्के देखिए, मेरे सारे मसाले भून गए हैं। तो हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। ये तीखा नहीं होता, इससे बहुत अच्छा सब्जी का कलर आएगा। तो देखिए कितना अच्छा मसाले का कलर आ गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, एकदम थोड़ा पानी डाले हैं। अभी हमको मसाले को पकाना है। पानी डाल के अच्छे से मसाले को मिला ले रहे हैं। इसको मसाले को हम ढक के करीब 5 मिनट के करीब पकाएंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है।
तो मसाले देखिए कितने अच्छे पक चुके हैं, मैंने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करते हैं ना फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी क्रश करके हाथ से डाल देते हैं, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अंडे का। इसको भी उलट पुलट के अच्छे से मिला ले रहे हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार, इसमें थोड़ा ये लटपटाई ही बनाएंगे तो ग्रेवी हम कम ही डाल रहे हैं, करीब आधा गिलास पानी डाले हैं। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं ग्रेवी को। ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से हम ग्रेवी को मिला लिए हैं। तो ग्रेवी में देखिए मेरा उबाल आ चुका है। तो सारे अंडे को हमें थोड़ा एक एक करके हम डाल देते हैं इसमें। देखिए कितना अच्छा मेरा ग्रेवी के साथ, इसको अच्छे से हम पका ले रहे हैं 1 से 2 मिनट। ये हल्के हाथों से चला रहे हैं ताकि योग जो है उसमें से निकले नहीं। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है फ्रेंड। तो कितना अच्छा देखिए अंडे का कलर भी आ गया है और ग्रेवी भी देखिए कितना मस्त तैयार हो गया है। ये देखिए ग्रेवी भी कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो अभी ठंडा होगा ना, स्टीम हटेगा तो और अच्छा कलर आएगा। ये देखिए हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल दे रहे हैं बारीक। सब्जी मेरा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड यदि ये अंडा चिनकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी इसी तरह से एक नए रेसिपी के साथ। तो आप लोगों को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। तो ये देखिए कितना अच्छा मेरा ग्रेवी और ये अंडा जो है। तो अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रहे हैं लास्ट में। गरम मसाला डाल के इसको हम 1-2 मिनट इस तरह से हल्के हाथों से इसको चला देते हैं। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मेरा देखिए अंडा चिकारी बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये सब्ज़ी जरूर पसंद आएगी। फिर मैं मिलती हूँ अगले नए रेसिपी के साथ। आप लोगों को फिर जरा प्यार और धन्यवाद।